हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया की बिगेस्ट सेल बिग बिलियन डे सेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन इनेबल हो जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका टेक अवनीश यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के बारे में बताने वाला हूं जो कि 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को होने वाला ही है। इस सेल में आपको HDFC बैंक के थ्रू 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे पहले मैं आपको मोबाइल के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से मोबाइल हैं जो आपको सस्ते मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको फ्लैगशिप फ़ोन ख़रीदना है सैमसंग का गलेक्सी S8, तो आपको 29,990 का मिल जाएगा। वैसे गलेक्सी S9 आ चुका है, बट जिसे S8 भी पसंद हो वो ख़रीद सकता है। बेहतरीन फ़ोन है ये भी। इसमें डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, IP68 सर्टिफाइड है, वायरलेस चार्जिंग है। 29,990 का पड़ जाएगा आपको इस सेल के थ्रू। अब बात करते हैं बजट फ़ोन की, तो इसमें लेनोवो K8 Plus बेहतरीन बजट फ़ोन है जो कि आपको 6,999 का पड़ जाएगा, 7,000 का पड़ेगा। इसकी रियल कीमत 9,999 है। 3 GB 32 GB 4,000 mAh की बैटरी, 8 MP फ्रंट कैमरा, 13.5 का डुअल रियर कैमरा जिससे आप पोर्ट्रेट का फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोटो Z2 Force के बारे में। इसमें 7,499 का पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ है इसमें। ये भी बहुत बेहतरीन फ़ोन है। इसमें स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर है जो कि पुराना तो है, पर बाकी स्नैपड्रैगन 636, 630 एंड 710 इनसे बढ़िया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको आगे की सैमसंग गलेक्सी ऑनेस्ट। इसे बिल्कुल मत खरीदना, मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसे अच्छे तो और फ़ोन दिखा रहा है, जैसे कि मोटो X4 है, 17,999 का सेल के थ्रू आपको मिलेगा 10,999 का। ठीक है, व्यू मोर क्रेजी डील्स, आगे देखते हैं और क्या दिखा रहा है ये। इसमें दिखाता है ये सोनी एक्सपीरिया XA1 Plus 13,999 का। वैसे इसकी कीमत 18,990 है। 4 GB 32 GB वेरिएंट है ये। इसमें आपको 23 MP का रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, 8 MP का हीलियो P20 प्रोसेसर। रहने दो यार, इससे तो और भी अच्छे फ़ोन हैं। ये पुराना फ़ोन है, इस वजह से आपको इसमें पुरानी स्पेसिफिकेशन देख रही हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ख़रीद सकते हैं। मोटो M1 है इसमें। मोटो M1 की कीमत 16,999 रुपये, 4 GB 64 GB वेरियंट की। इसमें स्पेसिफिकेशन 4 GB 64 GB इंटरनल मेमोरी और 16 MP का रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 8 MP और 3050 mAh की बैटरी, मीडिया टेक का P15 सही है प्रोसेसर इसके हिसाब से। पर आपको ये कितने का पड़ जाएगा, इस सेल में आपको ये 9,999 का पड़ जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसकी Z2 Force से Z2 Play मोटो Z2 Play। ये जो आपको 18,999 का दिखा रहा है, 4 GB 64 GB वेरिएंट, इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। 12 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा, 3300 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 626 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, 5.5 इंच की डिस्प्ले। ये आपको पड़ जाएगा इस सेल में 9,999 का, मतलब 10,000 का। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा पीछे हट के Honor 9N, जो फ्लैट 4,000 ऑफ दे रहा है, मतलब 4,000 रुपये डायरेक्ट ऑफ मिल रहे हैं इस पर और वास्तव में ही मिल रहे हैं। ये आपको मिल, इसमें स्पेसिफिकेशन 13+2 MP का डुअल रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा 16 MP, 3 GB 32 GB वाला 10,000 रुपये में और 4 GB 64 GB वाला 12,000 रुपये में। ठीक है, अब बात करते हैं Honor 7A की। ये बजट फ़ोन है, 3 GB 32 GB वाला, ये 7,999 का ऑक्टोकोर प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा आपको। फर्स्ट टाइम ऑन ऑफ़र Honor 7S पर पहली बार ऑफर आया है। ये बता रहा है कि 9,000 का फ़ोन है जो कि 6,499 का पड़ जाएगा। आप इसमें ट्रिपल स्लॉट है, मतलब 2 SIM Plus एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो फ़ोन है, लो अब दिखाता हूँ। ठीक है, ये फ़ोन आपको इसमें कितने में पड़ रहा है, 6,999, मतलब 7,000 में। इसके बजाय आप किसके
ऑनर 7S की बजाय आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से वह सही है। इसमें फ्रंट में सेल्फी फ्लैश है, उसमें शायद नहीं है। और रियलमी के बारे में बात करते हैं, रियलमी C1, रियलमी 2, रियलमी 2 प्रो। तो रियलमी C1, रियलमी 2, रियलमी 2 प्रो मतलब रियलमी नई कंपनी है। अभी तक इसने जो भी फ़ोन लॉन्च किया है बेहतरीन बजट में, बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया है, इस वजह से इसके किसी भी फ़ोन पर कोई भी छूट नहीं है। हाँ, और हाँ, बेशक छूट नहीं है, पर इसकी जो कोई भी फ़ोन परचेज़ करोगे इसके साथ कोई ना कोई आपको ऑफ़र ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि ये दिखा रहा है, HDFC बैंक के साथ खरीदोगे तो 899 मतलब 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल नो कॉस्ट EMI है। अब EMI से भी खरीद सकते हैं। और बात करते हैं इसकी ऑफ़र की, तो मेरे हिसाब से देना तो चाहिए था, दिखाया नहीं है, पर ऑफ़र यही है कि आपको HDFC बैंक का कोई खाता हो या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो तो आपको ये 10% ऑफ पर मिल जाएगा। ठीक है, कोई सा भी फ़ोन, C1, रियलमी 2, रियलमी 2 प्रो, मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 14,000 रुपये है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 13,990 का है और 1,399 रुपये मतलब 1,400 रुपये ठीक ऑफ देगा, जिसके थ्रू आपको रियलमी 2 प्रो 64GB वाले वेरिएंट पर दे नहीं रहा है, ये दे रहा है 6GB वाले वेरिएंट पर। तो मतलब 6GB वेरिएंट वाला आपको पड़ जाएगा 13,990 का, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एंड इट गेट्स इवन बेटर, ओके आईफोन के भगत। अब रियलमी गया आगे। अब बात करते हैं हम MI, Xiaomi इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग कंपनी, इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग डुअल कैमरा फ़ोन, रेडमी नोट 5 प्रो। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ये 14,999, इसके बारे में ये नहीं बताया कितना छूट देगा कितना नहीं, इसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादातर आपको पता ही होगी। यह इकलौता MI का फ़ोन है जो आने के बाद प्राइस बढ़ी है, पहले आया था 13,990 का, अब बढ़ा है, अब हो गया 14,990 का, 999 का, मतलब 1,000 रुपये इसके आने के कुछ महीने बाद बढ़े थे बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी चार्जेस। अब बात करते हैं मेरा फेवरेट फ़ोन Xiaomi पोको F1, बजट फ़ोन है, 21,000 रुपये में आपको स्नैपड्रैगन 845 मिल जाएगा, सोनी का IMX363 कैमरा सेंसर, और इसमें मिलेगा 21,000 में आपको 4GB 64GB 4000mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह वगैरह, बतेरी चीज़ है इसमें। अब बात करते हैं मोस्ट अफोर्डेबल स्नैपड्रैगन 636 एसएस जेनफोन मैक्स प्रो M1, ये भी बेहतरीन फ़ोन है जो आपको 10,999 में 3/32 दे रहा है, और बाकी स्पेसिफिकेशन सारी वही हैं, 5000mAh की बैटरी, 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 5.99 इंच की फुल HD डिस्प्ले, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, और 4GB 64GB 14,999। और बात करते हैं इसके 14,999 वाले वेरिएंट के अंदर, थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमें। इसमें आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल, हाँ अंतर देख लीजिए, अंतर ये है कि इसमें आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, जबकि उसमें आपको बैक उसमें 10,999 वाले वेरिएंट में आपको 3/32 वाले में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। तो ये अंतर है, इसमें आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, मतलब उसमें दूना कर दिया कैमरा, 8 से 16 कर दिया है। ठीक है, तो अब आप पीछे आते हैं, आप कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं आपको। इसमें दिखा रहा है कि आप रेडमी 5A दिखा रहा है, पुराना फ़ोन है, बिल्कुल मत लेना, रेडमी 6A, 6 प्रो, 6 रेडमी 6 से जन कितने फ़ोन दे दिए हैं, 6A, 6 और 6 प्रो शायद, हाँ यही फ़ोन दिए हैं, जिसमें कि रेडमी 6 प्रो थोड़ा सा सही है उस बजट में, बाकी सब क्या कहूँ बकवास है। अब बात करते हैं कुछ फ़ोन्स के बारे में अदर, जैसे LG G7, मेरे हिसाब से नहीं, अभी नहीं बात करूँगा इसके बारे में, बाद में बात करता हूँ। अगर किसी को फैबलेट ख़रीदना है तो ये लेनोवो का Fab 2 Plus 8,999 का है इस समय, इस सेल पर, ना कि इस टाइम, जिस टाइम ये वीडियो अपलोड होगी मुझे नहीं पता कितने का होगा, बट जो मैं बता रहा हूँ इतने का ही है। ठीक है, ये कह रहा है कि लोएस्ट प्राइस एवर प्राइस, अच्छा ओके ओके ओके, एसएस जेनफोन 5Z स्नैपड्रैगन 845 2999
मतलब 2999 मतलब 2999 वाला फ़ोन आपको कुछ ना कुछ छूट ज़रूर मिलेगी इस पर भी। सैमसंग गलेक्सी ऑन 6 इस पर भी छूट मिलेगी। इसमें दिखाया नहीं है कितना छूट देंगे, पर ये कह रहे हैं कि ये लोएस्ट प्राइस देंगे अगर इस पर, मतलब कम से कम प्राइस देंगे अगर जिस समय सेल स्टार्ट होगी मैं आपको तुरंत एक वीडियो बना के भेजूँगा या अपलोड करूँगा जिससे कि आप देख सकें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन बन के आएगा उससे इनेबल कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। वैसे भी नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता कहाँ है। आप अपने फ़ोन को बायबैक के साथ सिक्योर कर सकते हैं। इसमें क्या दे रहा है, कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन। अच्छा जी, ये जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से है, अ कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन। इसमें आपको चोरी, अच्छा ये एक तरीके से इंश्योरेंस है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जिसमें टूटना और कैमरा वैमरा ख़राब होना, माइक ख़राब होना और इसका चोरी हो जाना, जैसे पानी वगैरह गिर जाना या फिर किसी चीज़ से इंजर्ड हो जाना, कुछ ही तरीके से है। तो इसमें दिखा रहा है कि आप इतने इतने तरीके से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं और ये आपको टोटल कॉस्ट इतनी पड़ती है, और पर अगर आप इनसे इंश्योरेंस कराते हैं तो ये आपको फ्री में करके देते हैं फ्लिपकार्ट के। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल है नहीं, मैं आपको बाद में बता दूँगा। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग हट के, चलो ये वीडियो कुछ लंबी हो रही है तो इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ टीवी एंड एप्लायंस के बारे में, जो कि कुछ हैं बता दूँगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूँगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।